बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद वारिस। दोस्तों, ये जो आप सप्लाई देख रहे हैं, ये सप्लाई किस चीज़ में इस्तेमाल होती है? जी, ये होती है कूलर के लिए इस्तेमाल होती है, जो डीसी कूलर है। लेकिन इसमें ये चार तारें जो हैं ये आउट की निकली हुई हैं। ये चार तारें किस लिए हैं, इसी हवाले से आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, ये चार तार आप देख रहे हैं, दो ब्लैक कलर की हैं, एक रेड की है और एक ब्लू कलर की है। और इस साइड पर तो ये इसकी मेन वाली तार है जी, 220 वाली, ये इसका शू भी आप देख रहे हैं। तो ये जो चार तारें हैं ये किस लिए हैं, ये देखें जी। एक पर ये बैटरी का निशान बना हुआ है, ये बैटरी पर लगाएंगे। और ये दो जो हैं ये कूलर, जो डीसी कूलर होता है 12 वोल्ट वाला, उस पर लगाएंगे। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये आपका जो कूलर है वो ऑटोमेटिक चलेगा, यानी जब बिजली आ जाएगी बिजली पर चलेगा, जब बिजली चली जाएगी तो बैटरी पर चलेगा। लेकिन इस पर, इसमें उन्होंने कोई रिले नहीं लगाया, रिले की जगह पर एक डायोड लगा दिया है। ये मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये देखें जी, ये डायोड लगा हुआ है और ये देसी जुगाड़ है, यानी कम खर्च वाला मशीन, यानी एक डायोड से इन्होंने काम चला दिया है और यहाँ पर रिले लगाने की ज़रूरत नहीं हुई। तो बैक साइड पर भी मैं आपको इसके कनेक्शन दिखा देता हूँ, ये देखें जी, ये बैक साइड के कनेक्शन है, ये नेगेटिव कनेक्शन है और ये पॉजिटिव है। तो इसमें होता ये है कि जो बैटरी का को करंट जाता है एसी वाला, तो उसको इस डायोड ने ब्लॉक किया हुआ था, यानी रिवर्स करंट नहीं जाता बैटरी साइड पर। लेकिन जिस टाइम बिजली चली जाती है तो बैटरी का करंट यहाँ पर आके फिर ये नीली तार जो है पॉजिटिव यहाँ पर आ जाता है और हमारा जो कूलर वाला वो है, पंखा वगैरह, वो चल जाता है। तो कहने का मकसद ये है, अगर मैं सही तौर पर समझा सका हूँ, तो बैटरी को ये सप्लाई वाला करंट नहीं जाएगा, बैटरी को चार्ज नहीं करेगा, उस टाइम कूलर को चलाएगा, ये नीली तार में करंट आएगा। और बैटरी का करंट जो है वो डायोड पर आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर डायोड से फिर जो है कूलर को चला जाएगा उस सूरत में जब बिजली चली जाएगी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा जुगाड़ था, मैंने कहा इस पर वीडियो बना दूं और दोस्तों को भी दिखा दूं कि यहाँ पर रिले इस्तेमाल नहीं हुआ, एक डायोड इस्तेमाल हुआ है 10 एम्पीयर वाला, और वही सारा काम कर रहा है रिले का भी, ठीक है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।